देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लग रही है। 73 दिनों के बाद कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से कम हुए हैं और 58 दिन बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा 2000 से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,480 नए कोरोना केस आए हैं और 1,587 संक्रमितों की जान चली गई है। बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 28,084 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले बुधवार को 67,208 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 17 जून तक देश भर में 26 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ 71 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। आज कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,97,62,793, कुल डिस्चार्ज 2,85,80,647, कुल एक्टिव केस 7,98,656, कुल मौतें 3,83,490। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।